वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मास्टर ज्ञान अकाउंट्स। आज हम लोग सीखेंगे काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ और काउंट इफ फार्मूले। मतलब काउंट के पांच फार्मूले होते हैं, पांचों फार्मूले को आज हम लोग सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले काउंट फार्मूला देखते हैं इसमें क्या होता है। तो इसके लिए करते क्या है, इधर हम एक कुछ जो है गिनतियाँ लिख लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर लिख लिया 12, ठीक है, 5 हो गया, 6 हो गया, 10 हो गया, ठीक, 11 हो गया। और अब हम यहाँ पे लगाते हैं इसी के सामने काउंट फार्मूला। होता क्या है, इक्वल लगाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे काउंट और स्टार्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से इसको हम सिलेक्ट कर रहे हैं यहाँ तक। अब जहाँ पे गिनतियाँ लिखी हैं हमने उसको सिलेक्ट किया, और दो खाली सेल को भी हमने सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद हम इंटर करेंगे तो रिज़ल्ट हमारा यहाँ पे 5 आ रहा है। 5 का मतलब ये हुआ कि जिसमें कुछ ना कुछ लिखा हुआ है उसने, काउंट फार्मूले ने उसको काउंट किया है। अच्छा, जो ब्लैंक सेल्स हैं ये दो, अगर इसमें हम कुछ नंबर्स के अलावा अगर कुछ और हम लिख देते हैं, जैसे मान के चलिए यहाँ पर हमने लिख दिया ABC, तो अब देखते हैं तब भी यहाँ पर कोई जो है फ़र्क नहीं पड़ा है। इसका मतलब ये सिर्फ नंबर को ही काउंट करेगा। जैसे एक और खाली ब्लैंक सेल है, इसमें अगर कुछ हम नंबर अब डाल देते हैं, जैसे हमने लिख दिया 2, 3, इंटर करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक बढ़ गया हमारा। इसका मतलब ये टेक्स्ट को काउंट नहीं करता है बल्कि सिर्फ नंबर को काउंट करता है। अगर हम कोई भी नंबर ऐसे डिलीट करते हैं, गायब करते हैं, तो यहाँ पर कमी आ रही है। तो ये था हमारा सिंपल काउंट फार्मूला। इसी के साथ अब देखते हैं कि काउंट ए फार्मूला कैसे काम करता है। तो इसको हम लिखा रहने देते हैं और यहाँ पर हम लगाते हैं काउंट ए का फार्मूला इक्वल काउंट ए, काउंट ए और टाइप। अब इसको क्या करते हैं, ऊपर से यहाँ तक हम चलो सेलेक्ट कर लेते हैं और इंटर करते हैं। तो यहाँ पर 6 हमारा रिजल्ट आ रहा है। कैसे देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब इसने भी ब्लैंक सेल को छोड़ा है लेकिन इसने इसको भी काउंट कर लिया। जो टेक्स्ट हमारा लिखा हुआ है काउंट ए फार्मूले ने उसको भी काउंट कर लिया। मतलब क्या है कि काउंट ए फार्मूले में चाहे न्यूमेरिक लिखा हो या टेक्स्ट लिखा हो, ये दोनों को काउंट कर लेगा। जैसे कि हम यहाँ पर एक ब्लैंक सेल है, इसमें हम कोई और जो है टेक्स्ट लिख देते हैं, जैसे हमने लिख दिया है ABC और इंटर किया तो यहाँ पर 7 हो गया। ठीक, ऐसे यहाँ पर डिलीट करेंगे कोई ना कोई अंक तो हमारा तो ये हमारा था काउंट ए फार्मूला। और इसी के साथ अब आगे हम देखते हैं, जैसे हमने यहाँ पर डिलीट किया तो वापस वो आ गया है, और डिलीट करते हैं तो और कम हो जा रहे हैं। तो हमारा काउंट हुआ फार्मूला या काउंट ए हो गया। इसके आगे हम देखते हैं काउंट ब्लैंक फार्मूला। काउंट ब्लैंक क्या करता है, तो काउंट ब्लैंक तो नाम से ही पता चल रहा है कि क्या करता होगा काउंट ब्लैंक। और इसको यहाँ से यहाँ तक हम सेलेक्ट करते हैं और इंटर करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक जो भी रेंज हमने उसको दी, रेंज आप देखना चाहें तो यहाँ पे लिखा है G1 से G7 तक हमने रेंज दी। इस रेंज के बीच में जितने भी ब्लैंक सेल्स थे इसने सिर्फ उनको काउंट किए। यहाँ पर तो दिखाई दे रहे हैं, अगर किसी और को हम यहाँ पर खाली कर देते हैं तो यहाँ पर 3 हो गए। ठीक है, तो ये थे हमारे काउंट और काउंट ए काउंट ब्लैंक फार्मूला। इसके आगे अब हम देखते हैं काउंट इफ फार्मूला। तो काउंट इफ फार्मूला देखने के लिए हम चलते हैं C2 पर अपनी। और यहाँ पर देखो हमारे पास एक सीट बनी हुई है जिसमें एम्प्लॉय नेम लिखा है, पोस्ट लिखा है, जोन लिखा है और सैलरी लिखा हुआ है। तो क्या करते हैं, हम इन दोनों को यहीं से वहाँ से उठा के हम और वहाँ पर ले जाते हैं। इसको यहाँ से कट कर लेंगे। पेस्ट करते हैं। और यहाँ पे हम जो है ये दोनों फार्मूले हम लगाते हैं, काउंट इफ और काउंट इफ। अब होता क्या है, काउंट इफ में ये होता है कि आप इसमें इफ लगा हुआ है ना काउंट के साथ में, तो उसमें आप कंडीशन दे के काम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम ये जानना चाहते हैं कि इस सीट में एम्प्लॉय नेम के बाद पोस्ट है, जोन है, सैलरी है,
पोस्ट में यहाँ पे क्लर्क भी हैं, ऑफिसर भी हैं, पियोन भी है। अगर हम चाहते हैं कि इसमें कितने क्लर्क हैं तो इनको काउंट करना है, तो हम काउंट इफ फार्मूले से उसको काउंट कर सकते हैं, चाहे क्लर्क को काउंट कर लें, चाहे पियोन को कर लें, चाहे ऑफिसर को कर लें। ऐसे अगर जोन वाइज हमको करना है तो हम जोन वाइज भी काउंट कर सकते हैं कितने नॉर्थ जोन के हैं, कितने साउथ जोन के हैं। चलिए देखते हैं, इक्वल के साथ में काउंट इफ वाला फार्मूला लगाएंगे। और सबसे पहले ये कह रहा है रेंज, तो रेंज में हम कहाँ से काउंट करना है, तो यहाँ से हमको काउंट करना है, ये वाली हमने रेंज दे दी, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद ये कह रहा है क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया में जो है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी काउंट करना है वहाँ पे लिख लेंगे। जैसे हमको कलर निकालना है तो हमने कलर के इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख लिया, एंटर कर दिया, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। इसका मतलब 5 कलर हमारे पास हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। ऐसे अगर जोन और साउथ के हिसाब से निकालना है तो भी हम यही कर सकते हैं, इक्वल काउंट इफ, और यहाँ पर रेंज सेलेक्ट करेंगे, तो रेंज सेलेक्ट करने के लिए इसको सेलेक्ट करिए, कॉमा लगाइए, इन्वर्टर कॉमा के अंदर नॉर्थ का निकालना है तो नॉर्थ हमने लिख लिया, इन्वर्टर कॉमा बंद और इंटर कर दिया, तो यहाँ पर नॉर्थ जोन के जो है वो 6 लोग हैं, ठीक। अब इसमें तो सिर्फ हमने एक कंडीशन, एक रेंज सेलेक्ट कर रहे थे, एक कंडीशन दे रहे थे तो निकल के आ रहा था। लेकिन अब काउंट इफ में क्या होता है कि यहाँ पर एक से ज़्यादा आप कंडीशन दे सकते हैं और अपना रिजल्ट देख सकते हैं। चलिए एक से ज़्यादा कंडीशन देते हैं, यहाँ पे हम ये देखना चाहते हैं कि हमको सिर्फ वो कलर के देखने हैं जो साउथ जोन से बिलोंग करते हैं, नॉर्थ वाले हमको नहीं देखना है। तो इक्वल काउंट इफ्स, और यहाँ पे हमें क्राइटेरिया रेंज वन पूछ रहा है, तो रेंज वन में हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेंगे और कॉमा लगाएंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कलर लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा बंद हो गया। तो ये हमारी एक कंडीशन हो गई कि हमने रेंज दे दी और रेंज में से हम क्लर्क को जो है काउंट कर लिए। फिर उसके बाद पूछा क्राइटेरिया रेंज टू, अब हमको ये वाली देना है रेंज, और कॉमा लगाएंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इसमें जो भी चीज़ हमको निकालना है, साउथ हमको ढूंढना है, हमने साउथ कर लिए और इंटर कर देंगे। तो बता रहा है कि ऐसे क्लर्क जो साउथ जो उनके हैं वो सिर्फ एक है, देखते हैं ये नॉर्थ का हो गया, ये नॉर्थ का हो गया, और ये नॉर्थ का है, ये है, ये सिर्फ एक हमारा ऐसा जो है क्लर्क है जो साउथ जोन का है। ऐसे और हम देखते हैं, यहाँ पर एक और निकाल के देखते हैं, काउंट इफ्स और क्राइटेरिया रेंज वन, फिर अपनी क्राइटेरिया ये वाली दे देंगे और कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर की बार हम ऑफिसर को देते हैं, इन्वर्टेड कॉमा बंद, फिर कॉमा, और दोबारा ये, फिर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इसमें हम देते हैं नॉर्थ। तो हमने इसमें क्या ढूंढना था, हमने इसमें ढूंढना था कि वो ऑफिसर जो नॉर्थ जोन से बिलोंग करते हैं वो कितने हैं। तो यहाँ पे ऑफिसर एक ये है जो साउथ से है, और दूसरा ऑफिसर ये है जो नॉर्थ से है, तो एक हमारा रिजल्ट यहाँ पे आ गया। तो देखा आप लोगों ने फ्रेंड्स कि हमने सीखा आज काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ और काउंट इफ्स। अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।